आज हम आपको सिखाएंगे वेलवेट एयरलाइन शर्ट कटिंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल टीचर बाजी प्रो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टीचर बाजी प्रो। जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और हमारे साथ रखे। अच्छा जी, आज जो मैं शर्ट आपको सिखाने लगी हूँ जी, वेलवेट एयरलाइन फुल शर्ट कटिंग बताऊंगी आपको, ठीक है जी। वेलवेट एयरलाइन शर्ट कटिंग, ये आप हमारे पास देखें कि हमारे पास ये वेलवेट है और इसका ये नाप है पूरा जी, ये सामने आपके नाप लिखा हुआ है। हमें तैयार जो शर्ट चाहिए वो चाहिए हमें 41, और जो चौड़ाई है दामन की वो चाहिए हमें 28, तीरा चाहिए हमें 8 इंच और कंधा हमें 8 इंच चाहिए इसका, और चेस्ट हमें चाहिए 22, कमर चाहिए है तकरीबन हमें 19 इंच, हिप चाहिए इसके 22, जितनी चेस्ट होगी उतनी हमें हिप भी चाहिए जनाब, और फासला हमें चाहिए इसका तकरीबन 13-14 भी रख सकते हैं हम वेलवेट में। बाजू हमें तैयार चाहिए जनाब 22 इंच। अच्छा जी, ये तो अब आपका सामने था नाप, इसको हम रखेंगे इस तरह। अच्छा, ये है अब हमारे पास पल्ले हैं जी, फ्रंट और बैक पल्ले हैं, ये देखिए हमने दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। वेलवेट पल्ले हैं ये सारे के सारे, और हमने ये देखें ब्लैक वेलवेट, ठीक है जी, हमने आपके सामने ये चीज़ रख ली है। तो अब जो है हमने इसका लेना है नाप, तो ये देखें कि हमने इसकी लंबाई लेनी है कुल, दामन नीचे से इसका फोल्ड है तो हमने इसको लेना है 41 हमें चाहिए, तो 42 हम ले लेंगे इसको, ठीक है जी, 42 इंच ये हमने ले ली। 42 पे मैंने देखे आपके सामने इसको निशान लगा लिया, क्योंकि पीछे जो है नीचे से दामन इसका जो है वो फोल्ड है, तो हमें तैयार चाहिए 41, तो हमने 1 इंच इसको बढ़ा दिया ताकि तीरा जो कटिंग होगा वो भी और जो दबाव में आएगा वो भी। उसके बाद हमने क्या करना है जनाब, यानी तीरा लेना है तकरीबन 8-16 तैयार आएगा हमारा, 7 और 7 14 और 1 15, तो 8-8.5 हम लेंगे जनाब तीरा, ये ले लिया हमने 8 इसका तीरा 8.5 इंच, 1/2 इंच आएगा आपका दबाव में, ये मैंने आपके सामने इसका निशान लगा लिया, ठीक है। अब हम लेंगे जी इसका कंधा, ये हमने लगाया निशान, देखें मैंने इंची टेप रखा है आपके सामने, और लेंगे हम तकरीबन यहाँ से 8 इंच, ठीक है, ये हमने 8 इंच पे ले लिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमेशा याद रखें कि कंधा हमेशा छोटा करके लें। अब यहाँ पे 8 है ना, तो मैंने 8 ही ले लिया, लेकिन अगर ये चेस्ट कवर करती है इसको, ठीक है जी, चेस्ट हमारी 22 इंच है, तो ये ऑलरेडी खुद ब खुद इसको कवर करेगी, क्योंकि जिसकी शर्ट है वो थोड़ा सा कंधा वैसे भी लूज पहनती है। अच्छा जी, हमें चाहिए चेस्ट इसकी 22, तो ये देखिए हमारे पास 22 इंच चेस्ट, 11 × 22, ये हमने 11 पे रखा, ये देखें 11, और ये लगाया मैंने निशान। उसके बाद हमने लेना है इसका तकरीबन फासला जी, चेस्ट से हिप तक का फासला हम लेंगे तकरीबन 13 इंच, तो ये हमने लगाया 13.5 पे, ठीक है जी, 13.5 पे हमने इसका निशान लगा के 7 इंच पे हमने इसको लगा लिया कमर का निशान। उसके बाद हमने कमर लेनी है तकरीबन 19 इंच, 9 और 9 18 और हाफ को मिलाएंगे तो 19, 9 और 9 18 और 1 19 इंच पे हम इसका लगाएंगे निशान। चेस्ट को हम मिलाएंगे कमर से, ये हमने मिला दी कमर से, और ये तो आपको पता है कमर का निशान है। उसके बाद हमने मिलाना 22 इंच हिप, तो 11 × 22 इंच हिप, 11 × 2 = 22, ये हमने इसके साथ मिला देंगे जी। कमर को हम मिलाएंगे हिप से। उसके बाद हमने लेना है जी 28 इसका हम लेंगे दामन, तो 14 इंच लेंगे हम, 14 × 2 = 28, ये देखिए ये मैंने रखा, ये देखें जी मैंने 14 यहाँ पे लिखा है, 14 × 2 = 28, तो ये हम लगाएंगे, देखें ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने 14 किनारे के ऊपर रख के ये मैंने लगा दिया जनाब निशान, ठीक है। हम इसको ओपन चाक में सियेंगे, क्लोज चाक में हमने नहीं सीना है इसको, हमने बंद नहीं करनी शर्ट को, ठीक है जी, हमने इसको रखना है चाक ओपन, एयरलाइन चाक ओपन शर्ट कटिंग करेंगे हम। एक होता है ना बंद चाक में एयरलाइन, एक होता है ओपन चाक में एयरलाइन। आपके सामने मैंने इसको कर दिया निशान लगा दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, 1 इंच पे इसकी हम कंधे की गुलाई करेंगे, हाथ को यहां पे दबा के रखें कपड़े पे ताकि आपको चाक चलाना आसान हो, इससे इसको टच करें। ये देखें जी मैंने जो निशान लगाया था ऊपर से, देखे मैंने इसको लेके गई हूँ गुलाई में, इसके साथ से मैंने गुजार के चेस्ट के पॉइंट से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हमने लगाना है जनाब गले का निशान, गले का निशान लगाएंगे हम वेलवेट के लिए 3 इंच का, 3 इंच पे निशान लगाने के बाद ये देखे मैंने 3 इंच पे रखा है इसको, और यहाँ से मैं इसको करूँगी 1/4 इंच शोल्डर गिराऊंगी, ये देखे 1/4 इंच, 1 इंच में 2 लाइनें कम, 1 इंच में 2 लाइनें कम, तो हमने इसको 1/4 इंच इसका शोल्डर जो है इसको गिरा देना है जी, ये देखे हमने निशान लगा दिया।
उसके बाद हम नापेंगे जी हमारा ये कंधा कितना आ रहा है। ये देखिए गोलाई में इस तरह नापते चले जाएं, ये देखिए आपका पूरा 8 इंच आ रहा है। तो नमक पारा गिरने के बाद ये खुद ब खुद 8.5 आ जाएगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा कंधा इसका बड़ा चाहिए। अच्छा, जो वेलवेट में एयरलाइन होती है ना जनाब, उसको आपने बिल्कुल लाइट एयरलाइन रखना है। ज़्यादा इसका जो नीचे वाला घेर है उसको आपने ज़्यादा नहीं रखना एयरलाइन में, वो फिर फ्रॉक टाइप में आ जाता है, या तो फ्रॉक सी लें सीधा सीधा, ठीक है जी। नहीं तो एयरलाइन शर्ट अगर आपने सीनी है तो इसका जो ये दामन होगा ये कम रखना है, इतना ज़्यादा नहीं रखना। यानी कि जैसे आप 28 हमें दूसरी तरह चाहिए तो हमने इसको 14 2 और 28 किया है। सिंगल में देखा जाए तो लोग जो है ना 28 सिंगल में ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमने इसको क्या किया है तो डबल में 28 हमने इसको लिया है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि सिंगल में अगर हम 28 लेंगे ना तो फिर ये डबल में जो है ना जी जनाब एयरलाइन जो है ना हमने जो इसका दामन है वो हमने कम रखना है, क्योंकि फिर जो है ना जैसे अब दूसरी जो एयरलाइन होती है ना उसका तकरीबन 30-32 इंच दामन होता है, 30-32 इंच, जो यानी कि चाक ओपन नहीं होती, बंद होती है, ठीक है। जो बंद चाकों में शर्ट होती है उसका 30-32-35 इंच दामन उसका होता है, लेकिन हमने इसके चाक ओपन रखने हैं इसलिए हमने इसका दामन जो है हमने कितना लिया है 28। और जो वेलवेट है वेलवेट में इतने ही तकरीबन काफ़ी रहता है, इससे ज़्यादा जो वेलवेट में एयरलाइन का दामन होता है वो बुरा लगता है। तो आप तकरीबन इतना ही रखें, 28 सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और देखने में देखें शक्ल जो है ना इंसान की जो ड्राफ्टिंग हुई होती है शर्ट की, आप शर्ट दिखाई दिए इनको बिल्कुल सही ज़बरदस्त करके, ये पूरी शर्ट देखें कि ये कितनी खूबसूरत लग रही है, इसकी ड्राफ्टिंग से ही इंसान को पता चल जाता है कि शर्ट किस तरह की लग रही है, ठीक है। आपके सामने ड्राफ्टिंग हुई भी है तो ये चीज़ आपके सामने आ गई है कि हमने इसको किस तरह किया है। अब हम क्या करेंगे कि हमने इसको अब कटिंग करना है, जो पॉइंट हमने लगाए हुए हम उसके ऊपर ही कटिंग करके लेके जाएंगे जी। कपड़े को हाथ से पकड़ के रखें और ऐसे हल्का हल्का ऐसे करके घुमाते चले जाएं, ये खुद ब खुद शर्ट जो है पॉइंट पकड़ती चली जाती है, कपड़ा भी नहीं हिलता। और ये हमने मोड़ने के लिए रखा है, चाक हमेशा वेलवेट में डबल में फोल्ड करें, सिंगल में बिल्कुल फोल्ड ना करें। सिंगल में मुड़ी हुई चाक जो होती है शर्ट वो बहुत बुरी लग रही होती है। ये शर्ट हमने आपके सामने काटी है जी, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, इसकी शेप से ही पता चल रहा है आपको कितनी खूबसूरत ये शर्ट लग रही है, देखें, ठीक है ना जी। चीज कटी हुई सामने आ जाती है कि हमने किस किस्म की चीज कटिंग की है। अब हमने लगाने हैं इसको फिटिंग के कुटके, ये हमने लगा लिया फिटिंग का कुटका, आपको नजर आ रहा होगा। अब चाक के पास से भी हम फिटिंग का कुटका लगाएंगे, ये मैंने लगा लिया फिटिंग का कुटका आपके सामने। अब हमने इसका गिराना है नमक पारा, नमक पारा गिराने का तरीका मैंने जो है अपनी वीडियो में बार बार आप लोगों को बताती हूँ बार बार, ताकि आप लोगों को कोई चीज समझ में आ जाए। आपने कंधे से चेस्ट वाला जो लास्ट हिस्सा है उसको आपने नापना है, नापने के बाद देखिए कितना आ रहा है, 9 इंच आ रहा है, तो हमारा आएगा 4.5, तो ये आ रहा है देखिए जी 4.5, ये 4.5 पे निशान आया। 4.5 पे निशान रख के आपने क्या करना है कि 1 इंच का आपने इसको नमक पारा गिरा देना है, ये देखिए ये, और फिर ये कितना खूबसूरत देखे नमक पारा जो है ड्रा हुआ है, और आपने सेम टू सेम ये चीज कटिंग करनी है, ठीक है। ये देखिए चांद के तरीके से हमने नमक पारा कटिंग किया आपके सामने, देखिए कितनी खूबसूरत शर्ट लग रही है ये वाली। अब इसके ऊपर हमने बनाना है जनाब वाली गोल गला या बोट में बनाएंगे हम गला, जैसे हमारे पर डिमांड होगी वैसे हम इसके ऊपर बोट गला बनाएंगे, और खूबसूरत सा गला, जारी बात है बोट गला खूबसूरत लगा। आजकल जो है इन बोट गला हम इसको बना रहे हैं, बार बार ही बना रहे हैं, तो लुपी वगैरह लगा के हम इसको गला बनाएंगे, खूबसूरत लगेगा। एयरलाइन शर्ट के ऊपर आप जो है बाजू जो है इस तरह के इलास्टिक टाइप में भी रख सकती हैं, जैसे इसको इलास्टिक डली हुई है, ठीक है जी, इलास्टिक टाइप में भी रख सकती हैं और इसको फिटिंग में भी रख सकती हैं। तो जिनकी ख्वाहिश होती है हम उसके हिसाब से कर देते हैं। हमें चाहिए देखो यहाँ पे देखें बाजू 22 इंच, तो हमें 22 इंच हमारा बाजू ये आ रहा है, ठीक है, आगे से तैयार है, तो हमने क्या करना है कि इसको 22 इंच ले लेते हैं, पूरा हाफ इंच इसका आ जाएगा दबाव में। तो ये देखें कि मैं इसको गुलाई में करती भी हूँ तो ये कटेगा जाके ये, ठीक है जी, आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा। बस ये कि बाजू हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे, ये हमारे बाजू कट चुके हैं,
आपकी नज़र में देखिए कितने खूबसूरत तरीके से ये नमक पारा गिरा है इसका, और बहुत ही खूबसूरत इसके बाजू जो हैं बन के आ रहे हैं। और हमने इसको रखे हैं खुले बाजू रखे हैं, आगे इलास्टिक डाली है, बहुत ज़बरदस्त ये बन रही है शर्ट और बहुत ही खूबसूरत बन रही है जी। आप वीडियो पे ज़रूर जाया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और हमें बताया करें कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो बहुत सारी दुआओं के साथ, ढेर सारे प्यार के साथ, अल्लाह हाफिज़।